वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं एक शेयर के बारे में जिसके ऊपर रिसेंटली मेरे पास किसी का कमेंट आया था, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। इसका नाम है सिंगार डिकोर। इस शेयर का करंट प्राइस है 7 रुपये 23 पैसे और इसकी जो डे की क्लोजिंग हुई है करीब 3 रुपये 73 पैसे डे हाई पे हुई है। तो एक बार इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर फोरकास्ट के ऊपर आया हूँ तो यहाँ पर किसी भी एनालिस्ट की रिपोर्ट मौजूद नहीं है। अगर हम यहाँ देखते रिटर्न वर्सेस एवरेज तो वो बेटर नहीं है। डिविडेंड भी कुछ खास ये पे नहीं करता। फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस में इसके जो इंडस्ट्री के रिवेन्यू ग्रोथ रेट है लास्ट के 5 ईयर के अंदर वो करीब -1.71% है, जबकि सेक्टर की भी ग्रोथ रेट कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। इसका मार्केट शेयर स्टेबल है लास्ट के 5 ईयर के अंदर। अब इनके रिवेन्यू की बात करते हैं 2018, 2019, 2020, 2021। 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू था करीब 7 करोड़ 67 लाख, जो 2019 में घट के 6 करोड़ 22 लाख रह गया। पर 2020 में इनका रिवेन्यू बढ़ा था, पर 2021 में इनके रिवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी। हम कह सकते हैं कोरोना इफेक्ट था 2021 में। नेट इनकम की बात करते हैं तो कंपनी को 2018 में सिर्फ 18 लाख का प्रॉफिट हुआ था, 2019 में भी 18 लाख का प्रॉफिट, 2020 में इनका प्रॉफिट बढ़ा था जिस तरह इनका रिवेन्यू बढ़ा है। और 2021 की बात करते हैं तो इनका प्रॉफिट सिर्फ 25 लाख का प्रॉफिट हुआ है और रिवेन्यू की बात करते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई थी। अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। जैसा कि आपके सामने प्रमोटर की बात करते हैं, प्रमोटर इसमें से लगातार अपनी होल्डिंग कम कर रहा है लास्ट के 2 सालों के अंदर, 2020 से हम बात करते हैं अब तक की। पर रिसेंटली प्रमोटर ने इसमें अपनी थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है, तो इसको देख के पैनिक नहीं होना कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा है। शायद आने वाले टाइम में हमें इसमें अच्छा खासा मूव हमें मिल सकता है। तो सिंपल है कि प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, 26% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। ऐसा भी हो सकता है कि अभी प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, शायद आने वाले टाइम में प्रमोटर अपनी होल्डिंग निकाल दे, क्योंकि रिसेंटली भी उसने अपनी होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा कम की है। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड की कोई होल्डिंग नहीं है, DII की कोई होल्डिंग नहीं है, FII की कोई होल्डिंग नहीं है। बाकी जितनी भी होल्डिंग हो वो पड़ी हमारे पास रिटेल पार्टी और अदर पार्टी के पास, और करीब 73.98% होल्डिंग। और अक्सर देखा गया है किसी भी कंपनी में अगर 60 के आसपास 60-70% होल्डिंग अगर रिटेल इन्वेस्टर के पास जाती है तो डेफिनेटली उस कंपनी में फ्यूचर में कुछ नहीं होता, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर थोड़ी कंपनी चलाते हैं, कंपनी तो प्रमोटर चलाता है और प्रमोटर अपनी होल्डिंग लगातार इसमें से कम कर रहा है। वैसे रिसेंटली उसने थोड़ी होल्डिंग बढ़ाई है, पर इसको देख के किसी ने पैनिक नहीं होना कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा है तो हम भी इसे बाय कर लेते हैं। फिर भी कोई बाय करना चाहता है तो अपनी बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना, मेरे हिसाब से 500-1000 रुपये से ऊपर इसमें इन्वेस्ट मत करना। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके लेवल के ऊपर। जैसा कि अभी यहाँ पर इसका जो प्राइस है करीब 7 रुपये के आसपास प्राइस है, और अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहता है, मेरे हिसाब से सही नहीं है ट्रेड करना, अगर कोई इसमें ट्रेड करना चाहता है मेरे हिसाब से 6 रुपये का SL सबसे बढ़िया होगा, पर बाकी आपकी मर्जी। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है BPL लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है 82.90 रुपये और इसकी जो डे की क्लोजिंग हुई है करीब -7.63% डे लो पे इसने अपनी डे की क्लोजिंग दी है। तो अब इसके ऊपर बात करते हैं इसके लेवल के ऊपर, उससे पहले एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। जैसे कि मैं फाइनेंस के ऊपर आया हूँ तो लास्ट के 5 ईयर के अंदर जो इनकी इंडस्ट्री की रिवेन्यू ग्रोथ रेट है वो माइनस में चल रही है, जबकि सेक्टर की करीब 9.79% यानी 10% के आसपास सेक्टर की ग्रोथ रेट है, जबकि कंपनी की -4.71%। और मार्केट शेयर भी इसका डिक्रीज हुआ है लास्ट के 5 ईयर के अंदर। अब 2018, 2019, 2020, 2021, 2018 में इनका टोटल रिवेन्यू था करीब 140 करोड़ के आसपास, जो 2019 में इनका रिवेन्यू थोड़ा बड़ा था, पर 2020 में रिवेन्यू में अच्छी खासी कमी आई है, 2021 में उससे भी ज़्यादा करीब 44 करोड़ रुपए का रिवेन्यू रह गया है इनका 2021 में। और हम कह सकते 2021 का कोरोना इफेक्ट हो सकता है, पर 2020 में भी अगर हम देखेंगे तब भी रिवेन्यू में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है। और नेट इनकम की बात करते हैं, 2018 में इनकी नेट इनकम 7 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2019 में घट के सिर्फ 95 लाख रह गया, पर 2020 में इनका रिवेन्यू बढ़ा था करीब 3 करोड़ 75 लाख, पर 2021 में इनका लॉस था कंपनी को, करीब 21 करोड़ का लॉस हुआ था। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। ये इसमें एक बात काफ़ी अच्छी है, प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, करीब 63% होल्डिंग प्रमोटर के पास है, और रिसेंटली प्रमोटर ने इसमें थोड़ी अपनी होल्डिंग बढ़ाई भी है। म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ना के बराबर है। DII की बात करते हैं, DII की भी होल्डिंग बहुत कम है। FII की बात करते हैं तो FII की भी होल्डिंग आपके सामने बहुत कम है, करीब 0.21% है। बाकी जितनी भी होल्डिंग पड़ी है हमारी वो रिटेल और अदर पार्टी के पास पड़ी है। इसमें भी हम देखेंगे रिटेल के पास 23.26% है और
अदर पार्टी के पास करीब 12.99%। अब बात करते हैं, देखो बेशक प्रमोटर के पास काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है पर कंपनी को ग्रोथ नहीं हो रही और कंपनी को लगातार उनका जो रिवेन्यू भी कम हो रहा है, उनका उनका प्रॉफिट भी लगातार कम हो रहा है। तो ऐसे किसी भी शेयर के ऊपर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर आप थोड़ा इसके इसके ऊपर स्टडी करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे मैक्सिमम, आपको याद होगा एक टाइम में ये शेयर करीब 2019-99 रुपये के आसपास, करीब 500-600 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड करता था। और इसीलिए मैं अक्सर हर किसी को बोलता हूँ, अगर आप किसी भी शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि हमें नहीं पता कोई भी कंपनी 2 साल बाद तो कहाँ जाएगी। आज यहाँ 2 साल बाद हमें नहीं पता कहाँ जा सकती है। और 1999 या 2000 के आसपास जो भी उस समय होगा या उसको इतनी समझ होगी, उसको ये बात पता होगी, उस समय BPL की बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग थी, TV में ऐड भी आती थी और BPL के आपको TV मिलते थे, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बहुत ज़्यादा बनाती थी, आपको डेक मिलते थे या उस समय जो टेप रिकॉर्डर चलते थे, उस समय की बात है। तो उस समय BPL का एक अच्छी खासी मार्केट थी, पर आज के टाइम में BPL का थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ कम हो गया है। और इतनी आपको इनकी कंपनी का नाम भी आपने शायद ही अब कहीं आपको सुना भी होगा। अब इसके लेवल के ऊपर बात करते हैं, जैसा कि एक टाइम में अभी देखोगे 21 अक्टूबर के बाद इसमें लगातार एक डाउनफॉल हो रहा है और अभी के टाइम में इसने 80 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया है। अगर कोई बाय करना चाहता है तो मेरे हिसाब से अभी बिल्कुल सही टाइम नहीं है, पर अगर किसी ने शेयर बाय कर रखा है तो पूरे चांस है, अगर 80 रुपये से रिकवरी करता है तो ठीक है, वरना अगर ये 80 रुपये के नीचे अगर डे की क्लोजिंग देता है कभी तो ये सपोर्ट लेगा सीधा 60 रुपये का, 60 रुपये के आसपास। अगर इसने 60 रुपये को ब्रेक कर दिया तो इस कंडीशन में इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। अभी के लिए सपोर्ट है 80 रुपये से, पूरा चांस है यहाँ से रिकवरी करे। अगर यहाँ से इसने रिकवरी नहीं करी तो इसमें और ज़्यादा गिरावट होगी। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहता है मेरे हिसाब से सही नहीं है, फिर भी आप भी अपने एंड पे स्टडी करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।